हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पटेल जिला और यह मेरा पहला वीडियो है जो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं एक ख़तरनाक मैजिक ट्रिक लेके आया हूँ जो आप देख के बिल्कुल ही हैरान हो जाओगे। ये इस मैजिक का नाम है डेक रिवाइल, मतलब मैं जो आपको कार्ड दिखाऊंगा वो डेक में से निकलेगा, वो भी रिवर्स होके। तो लेट्स बिगिन द मैजिक। ओके, लेट्स स्टार्ट द मैजिक। चलो, अभी मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं है तो यहाँ पे मैं खुद ही रेंडमली स्टॉप बोल दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप बोलता हूँ। ये कार्ड आप देख लीजिए, ये कार्ड मैं नहीं देखने वाला। ठीक है, इसको अब मैं कहीं भी बीच में डाल देता हूँ, कहीं पे भी रेंडमली मैंने इसे बीच में डाल दिया और मैं इसे अब कट कर देता हूँ ताकि ये वेल मिक्स हो जाए और एक बार अच्छे से रिफिल सफल दे देता हूँ ताकि कार्ड अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अच्छे से एक बार रिफल सफल भी दे दिया ताकि कार्ड अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं इस डेक को दो पार्ट में कट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी दीदी है, वो बोलेगी कि सिर्फ दीदी प्लीज़ कोई भी एक डेक पे आप उंगली रख दीजिए इस पर। ठीक है, ये मैं रख लेता हूँ और मैं इसे अब छूने भी नहीं वाला। ठीक है, इसको मैंने साइड में रख दिया। अब मैं अजम्पशन करता हूँ कि इस डेक में वो आपका चूज़ किया हुआ वो कार्ड हो सकता है। तो चलो देखते हैं, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसके टॉप 5 कार्ड में से आपका कोई कार्ड हो सकता है। अगर आपका कार्ड हो तो आप एक्सप्रेस मत करना, सिर्फ देख लेना वरना मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब आप देख लेना अच्छे से कार्ड को, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 कार्ड से अभी इस डेक के मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे रख देता हूँ। मैं ये 5 कार्ड आपको दिखा देता हूँ। 1, 2, चिपक रहे कार्ड फिर से दिखा देता हूँ। 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 कार्ड्स मैंने आपको दिखा दिए। अब जो आपका कार्ड है वो इनविजिबल कर दूंगा। देखिए, ये मैंने आपका कार्ड निकाला, ये आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ मुझे दिखेगा। ये मैंने अंदर डाल दिया अच्छे से। ठीक है, अब देखना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 इंच कार्ड है और आपका कार्ड मैंने रिवर्स करके डाला था तो वो डेक में आ गया है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, मैंने नहीं पता, मुझे नहीं पता मैंने कहीं पे भी डाल दिया है। ये क्या, ये आपका कार्ड था। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं और भी नए नए वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो अब मैं इसका ट्यूटोरियल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड चाहिए, इसके लिए आपको कोई भी सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। पूरा देख लीजिए, मिक्स है। आपको क्या करना है, आपके जो स्पेक्टेटर होता है ना उसे स्टॉप बुलाना है। आप कोई भी तरह से स्टॉप कर सकते। मैंने इस तरह से स्टॉप करवाया और ये ट्यूटोरियल पर्पस इसलिए मैं ये कार्ड दिख रहा हूँ। ये आपका कार्ड है। अब मैं इसे बीच में कहीं पे भी डाल देता हूँ। जब आप बीच में डालोगे ना तो इधर ऐसे पुश करने का ताकि ये कार्ड थोड़ा ऊपर आ जाए, और ऐसे डालते ये पिंकी फिंगर से है ना इसे ब्रेक बना लेने का, और ऐसे दो पार्ट में करके देखिए ये ब्रेक है, उससे यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देने का ऐसे करने के ताकि आपका कार्ड ये कार्ड है वो टॉप पे रहे। उसके बाद आप जो रिफल सफल दो उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप रिफल सफल दे रहे होते तो इस वाली डेक में आपका कार्ड है। ठीक है, तो इस वाली डेक के दो टॉप कार्ड रहने चाहिए। देखें ऐसे करते करते जब यहाँ पे दो कार्ड रह जाए ना इस वाली डेक में, तब आपको ये सारे छोड़ देने के और ये भी छोड़ देने के ताकि आपका जो कार्ड है वो थर्ड नंबर पोजीशन पे, हमको चाहिए थर्ड नंबर की पोजीशन पे। ठीक है, अब इसको ऐसे मिक्स कर देने का। अब आपकी स्पेक्टेटर से कहने का कि देखो मैं यहाँ पे दो पार्ट में कट कर रहा हूँ, ऐसा सब कहने का। उससे कहने का आप एक पे उंगली रखो, अगर उसने उंगली रखी तो आपके मजे ही मजे, आप ये उठा। बट बाई चांस उसने इस पे उंगली रख दी तो आपको क्या करने का, सिर्फ ऐसे बोलिए ठीक है तो ये आप रख लो ये वाली डेक और ये वाली मैं रख लेता हूँ, ऐसा करके ले लेने की डेक।
फिर ऐसे अजम्पशन करवाने का कि इसमें से कार्ड हो सकता है, फिर बोलने का टॉप फाइव का, आपको तो पता है कि थर्ड नंबर की पोजीशन पे आपका कार्ड उनका कार्ड है, तो ऐसे वन आपको है ना सबसे पहले ये ग्रिप में पकड़ने का, ये आपकी जो मिडल फिंगर होती है और रिंग फिंगर होती है वो इस तरफ एग्जैक्टली कॉर्नर पे, और आपका जो थंब होता है वो यहाँ पे एकदम मिड में, आपको यही पोजीशन मेंटेन करनी है ऐसे वन टू थ्री फोर और फाइव, अब आप ये फाइव का रख के ऐसे कर देने का वन टू, जब ये आपका ये थ्री थर्ड नंबर वाला कार्ड है जो उनका अजम्पशन दिखा हुआ कार्ड था, तब आए तो ऐसे पूरा ऊपर लाने का हर बार ऐसे, फिर ये इधर से देखिए ये कार्ड है ना, मैं ऐसे उठा लेता हूँ और ये रख देता हूँ, ऐसे स्पीड में करोगे ना तो किसी को नहीं देगा, एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूँ, ये कार्ड वो लास्ट में चला जाएगा, आप ऐसे अगर स्पीड में करोगे तो नहीं दिखेगा, फ्लो फ्लो में करने का ऐसे वन ऐसे टू, जब कार्ड आए तब ऐसे पिंकी फिंगर से ब्रेक बना लो और ऐसे ऊपर आके ये कार्ड लीव करो और नीचे से खींच लो, आ गया रिवर्स हो गया और ऐसे रख लो ठीक है, और आप ऐसे इसको हाथ में रखने का और इसको कह देने का कि इधर आप रख रहे हो, ये जब रखते हो तो वो कार्ड ऑलरेडी रिवर्स होके यहाँ पे पहुँच जाता है, फिर यहाँ पे तो फोर कार्ड बचे और आपको दिखाने फाइव कार्ड, तो उसके लिए एकदम इजी वे जिस तरह से हमने पहले पकड़ा था वैसे पकड़ने का, और ऐसे वन और जब टू करो ना तो वैसे ऐसे पिंकी फिंगर से एक ब्रेक बना लेने का, आपको जैसा बनाना है बना सकते हो छोटा बड़ा, मैंने एकदम छोटा सा बनाता हूँ प्रैक्टिस है मुझे, फिर ऐसे तीन पे जब लाओ ना ऐसे तीन पे रिलीज करो ना तब ये सेकेंड नंबर का कार्ड उठा लेने का, ऐसे स्पीड में करने का, और ये थ्री फाइव वन ये टू ऐसे ब्रेक बना लिया, ये थ्री ये फोर और फाइव स्पीड में करोगे तो आपके स्पेक्टेटर को लगेगा कि आपने फाइव कार्ड है, फिर आपको ऐसा बोलने का कि ये इनविजिबल हो गया है, फिर ऐसे निकाल के करने का, फिर बोलने का मैं स्नैप करूँगा तो कार्ड यहाँ पे आ गया, फिर आपको ऐसे दिखा देने का ये फोर कार्ड ही है आपका, उनका कार्ड तो ऑलरेडी जा चुका होगा, और फिर ऐसे डेक को एक बार ऐसे कर सकते हो आप कुछ भी, और ऐसे दिखा देने का कि उनका कार्ड तो यहाँ पे बीच में ऑलरेडी आ चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट करें, ताकि मैं और भी नए नए अच्छे अच्छे मैजिक ट्रिक्स लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।